हेलो दोस्तों, आज मैं नंबर सिस्टम का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। यूनिट डिजिट क्या है तो है दोस्तों, अगर किसी एक नंबर है 532 तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? दोस्तों इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका लास्ट में जो डिजिट होता है उसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट। तो 532 इसका लास्ट में क्या डिजिट है? 2। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट या इकाई अंक, ठीक है। और एक नंबर अगर 577 एक नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों? 7। इस 7 को हम कहते हैं यूनिट डिजिट या इकाई अंक, ठीक है। इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों? पहले हमको क्या करना पड़ेगा? लास्ट इस नंबर का लास्ट में क्या है? 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। मल्टीप्लाई 456, इसका लास्ट में क्या है? 6 है, तो 6 होगा यूनिट डिजिट। इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 8 है, लास्ट में 8 है, तो इसका यूनिट डिजिट 8 होगा। मल्टीप्लाई इस नंबर को चेक करना पड़ेगा, लास्ट में क्या है? 3 है, तो इसका यूनिट डिजिट 3 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। इन 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 48 होगा। इन 48 का यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। तो 24 का यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा 4, ठीक है। इसको आप ओरली कर पाओगे कैसे? देखो, अगर 6 × 1 करेंगे तो 6 होगा, एंड 6 × 8 करेंगे तो कितना होगा? 48 होगा। 48 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 8 होता है। एंड 8 × 3 करेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। एंड 24 का यूनिट डिजिट क्या होगा? लास्ट में जो डिजिट होगा उसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं, तो ये यूनिट डिजिट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। 358 होल्ड की पावर 58, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, ये जो लास्ट डिजिट है इसको अगर हम x मान लूँ, ठीक है, तो इसका कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों? फर्स्ट कंडीशन ये है, चेक करना पड़ेगा लास्ट में जो डिजिट है दैट इज x, x को चेक करना पड़ेगा पहले। उसके बाद सेकेंड कंडीशन है x का प्लेस में अगर 0 या 1 या 5 या 6 है तो उसका यूनिट डिजिट इटसेल्फ होगा, ठीक है। अगर किसी नंबर 325 होल्ड की पावर 99 है तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों? इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। इस नंबर का यूनिट डिजिट 5 होगा, ठीक है। किस लिए हो रहा है? अगर 5 to the power n = क्या होगा? हमेशा लास्ट में 5 आएगा, ठीक है। हमेशा लास्ट में क्या आएगा? 5 आएगा। अगर n का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, तो क्या होगा? 5 to the power 1 = 5, तो क्या हो रहा है? 5 लास्ट में आ रहा है, तो यूनिट डिजिट होगा 5। अगर n का वैल्यू 3 होगा तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है, 125 होता है। एंड लास्ट में क्या हो रहा है? 5 आ रहा है, तो ये क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा। तो क्या है? अगर x का प्लेस में 0 या 1 या 5 या 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट इटसेल्फ होगा, ठीक है दोस्तों। अगर x का प्लेस में 0, 1, 5, 6 इसके अलावा और कोई नंबर होगा तो क्या करना पड़ेगा? इसके अलावा और कोई नंबर होगा तो ये करना पड़ेगा, उसका जो पावर होगा, इसका पावर क्या है? 58 है। तो जो पावर होगा उसको क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड चेक करना पड़ेगा उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। पावर में जो नंबर होगा उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड उसके बाद उसका रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये थर्ड कंडीशन है। पावर को 1 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो क्या होगा? x का पावर 1 होगा। अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो x का पावर कितना होगा? 2 होगा। अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो x का पावर 3 होगा। और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो x का पावर क्या होगा? 0 हो सॉरी x का पावर 4 होगा। तब क्या होगा? x का पावर 4 होगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद, पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 होगा तो x का पावर क्या होगा? 1 होगा। अगर रिमाइंडर 2 होगा तो x का पावर 2 होगा, एंड रिमाइंडर 3 होगा तो x का पावर 3 होगा।
बट अगर रिमाइंडर जीरो है तो एक्स का पावर क्या होगा, एक्स का पावर फोर होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार बता देता हूँ, अगर कोई नंबर लास्ट में लास्ट डिजिट एक्स को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद अगर एक्स का प्लेस में जीरो वन या फाइव या सिक्स है तो उसका आंसर क्या होगा, इटसेल्फ होगा। अगर एक्स के प्लेस में जीरो वन फाइव सिक्स के अलावा और कोई नंबर है तो क्या करना पड़ेगा, जो पावर में जो डिजिट होगा उसको फोर से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड डिवाइड करने के बाद क्या चेक करना पड़ेगा, उसका रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर वन है तो एक्स का पावर वन होगा, अगर रिमाइंडर टू है तो एक्स का पावर टू होगा, अगर रिमाइंडर थ्री है तो एक्स का पावर थ्री होगा, अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तो एक्स का पावर फोर होगा, ठीक है। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या करना पड़ेगा, 58 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 58 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा तो क्या होगा, x का पावर 2 होना चाहिए, x का प्लेस में क्या है 8 है, तो 8 का पावर क्या होगा 2 होगा, एंड 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट होगा 4, ठीक है। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा 4, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, देखो ये करना पड़ेगा, लास्ट में जो डिजिट है एक्स है तो एक्स का प्लेस में क्या 0 1 5 6 नहीं है, इसके अलावा और नंबर है तो क्या करना पड़ेगा, जो पावर में जो नंबर होगा उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 58 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर आएगा 2। अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो लास्ट में जो डिजिट होगा उसका पावर 2 होगा, तो 8 का पावर क्या होगा 2 होगा, 8 का पावर 2, 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 64 होता है, तो 64 का यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा क्या 4 होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन ऑफ 67 होल टू द पावर 32। तो क्या देखो यहाँ पर 0 1 5 6 के अलावा और नंबर है तो क्या करना पड़ेगा, 32 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जो 32, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों, इसका रिमाइंडर होगा 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या होगा, पावर क्या करना पड़ेगा, 7 to the power 4 करना पड़ेगा। 7 to the power 4 कितना होगा, 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 343 होता है, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 343 × 7 2301। तो 2301 इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, 1 है यूनिट डिजिट, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 43 होल्ड टू पावर 46। ऑप्शन 1 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 6। आई होप आप लोगों को यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप लोग इसका आंसर कॉमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर, इस नंबर का यूनिट डिजिट पूछा गया है, ठीक है। देखो 1570 1570 1570, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या होगा आएगा, 0 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। 1571 इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। 1572 इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4, तो लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, एंड इस नंबर का यूनिट डिजिट सिमिलरली 9 होगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 + 4 = 13 + 1 = 14। 14 के यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, इस नंबर का यूनिट डिजिट 4 होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। देखो मैं पहले क्या बोला था, अगर लास्ट में 0 1 5 6 है तो उसका यूनिट डिजिट इटसेल्फ होगा, यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। यहाँ पर भी 6 है, 6 का यूनिट डिजिट इटसेल्फ 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 0 1 5 6 के अलावा और नंबर है तो क्या करना पड़ेगा, जो पावर में जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर
54 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 413 52, तो इसका रिमाइंडर क्या है दोस्तों 2 है, तो रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा, तो इसका रिमाइंडर क्या है 2 है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट में जो नंबर है दैट इज 3, उसका पावर क्या होगा 2 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा, इस नंबर का यूनिट डिजिट 9 होगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 + 6 = 11 + 9 = 20, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों 0 होगा यूनिट डिजिट, दैट इज ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है,